हेलो व्यूवर्स, आज हम कर रहे हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कक्षा 12 का गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित कविता है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में राम और रावण के युद्ध के समय लक्ष्मण मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो जाते हैं। इस प्रसंग में बूटी लेने गए हनुमान की देरी के कारण राम अपने अनुज लक्ष्मण के जीवन के लिए चिंतित हो उठते हैं। हनुमान संजीवनी बूटी को ना पहचानने के कारण पूरा पर्वत उठा करके ले आते हैं। किसी अनर्थ की आशंका से भरत ने उनको नीचे उतार लिया, किंतु वास्तविकता सुनकर शीघ्र भेजने की इच्छा से उन्हें बाण पर बैठाकर भेज देते हैं। दूसरी ओर राम आधी रात बीत जाने पर चिंतित हो जाते हैं। हनुमान के नाम पर अचेतन लक्ष्मण को राम ने अपने हृदय से लगा लिया और विलाप करने लगे। कहने लगे कि लक्ष्मण, तुम तो ऐसे स्वभाव के हो कि मुझे भी कभी दुखी नहीं देख सकते। तुमने मेरे लिए माता पिता को त्याग कर वन के कष्ट सहना स्वीकार किया, फिर आज जब मैं व्याकुल हूँ तब तुम क्यों नहीं उठते हो। राम कहते हैं, यदि मैं यह जानता कि वन में तुमसे मेरा वियोग होगा तो पिता के वन गमन के आदेश को ही नहीं मानता। संसार, पुत्र, धन, स्त्री, घर, मकान, परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, किंतु भाई बार बार नहीं मिलता। यह सोचकर भैया लक्ष्मण, तुम जाग जाओ। जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, सूंड के बिना हाथी की स्थिति होती है, वैसी ही तुम्हारे बिना मेरी दशा है। यदि मैं जीवित रहा तो अयोध्या कैसे जाऊंगा? क्योंकि मुझ पर आरोप होगा कि पत्नी की खातिर भाई को खोआया। मैं तो पत्नी के अपहरण से उत्पन्न अपयश को सहने को तैयार हूँ, क्योंकि संसार में नारी का जाना कोई बड़ा अहित नहीं है। मैं बड़ा कठोर हृदय हूँ कि मैं अपयश और तुम्हारा दुख दोनों सहन करूँगा। तुम अपनी माँ के प्यारे पुत्र हो, अपना हितैषी मानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। भैया उठकर बताओ, मुझे बताओ, मैं माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूँगा। इस प्रकार सोचते हुए राम की आँखों से आंसू टपकने लगे और अत्यंत व्याकुल दशा में वो शिव पार्वती से कहते हैं कि भगवान मनुष्य के समान विलाप कर रहे हैं। इतने में हनुमान जी आ जाते हैं। राम ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान को गले से लगाया। वैद्य ने तुरंत दवा दी और लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक बैठ गए। राम ने भाई को हृदय से लगा लिया। समस्त सेना प्रसन्न हो उठी। राम ने हनुमान से कहा, वैद्य जी को तुरंत सम्मान सहित उनके घर पहुंचाओ। जब लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का समाचार रावण को मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह परेशान होकर अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास गया, जिसे अनेक उपायों से जगाया गया। जागने पर कुंभकर्ण को ऐसा लग रहा था मानो काल ने शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण ने रावण से उदासी का कारण पूछा, तब रावण ने सीता हरण से लेकर अब तक की कथा सुनाई। रावण ने बताया, वानरों ने बड़े बड़े राक्षस योद्धा मार डाले हैं, दुर्मुख, देवांतक, मनुष्य भक्षक, अतिकाय, अकंपन, मदोहर सहित सभी रणधीर की रणभूमि में मारे जा चुके हैं। सारे योद्धा हैं, इनके नाम बताए हैं, ये सभी रणभूमि में मारे जा चुके थे। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी हो जाता है और कहता है, अरे मूर्ख, तू जगत जननी सीता का अपहरण करने के बाद भी अपना कल्याण चाहता है। तो इस कविता में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप इस प्रकार से दिखाया गया है। यदि आपके इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।